आज हम बनाएंगे बैंगन का भरता, बहुत ही खाने में टेस्टी होता है। और देखिए, हम बैंगन का डंठल बिल्कुल नहीं फेंकेंगे, इसी के साथ ही बनाएंगे। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, लाइट कुकिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे बैंगन का भरता, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। यहाँ मैंने बैंगन लिया है, ये बैंगन छोटे साइज का है। और देखिए, यहाँ मैंने जो बैंगन का जो ऊपर का डंठल होता है मैंने साफ़ कर लिया है, वो दोनों मैंने साफ़ कर लिया है पहले से ही। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए इस तरह से साफ़ करना है, रब करते हुए चाकू से, ताकि जो भी इसके ऊपर जो भी डस्ट होगा वो निकल जाएगा। धोने से नहीं निकलता है ये। ये देखिए कितना डस्ट है। इस तरह से हमें साफ़ कर लेना है, क्योंकि हम डंठल समेत बनाएंगे और डंठल को हमें खाना भी है, तो इसलिए इसे हम साफ़ कर लेते हैं अच्छे से। यहाँ मैंने इसे धो लिया है और देखिए ये मैंने साफ़ कर लिया। इसी तरह मैंने बाकी के बैंगन को भी अच्छे से साफ़ कर लिया था इसी तरह से। और चलिए, इसमें हम लगाएंगे सरसों का तेल। तीनों बैंगन में हम अच्छे से सरसों का तेल लगा लेंगे। कारण ये है तेल लगाने का, जब ये भुनेगा और भुनने के बाद जब हम इसे छिलका साफ़ करेंगे तो इसका छिलका आसानी से निकल जाता है तेल लगाने से। आप इसके बीच में लहसुन भी डाल सकते हैं, जैसे अक्सर लोग करते हैं, बीच बीच में लहसुन इसमें दबा के डाल देते हैं अंदर। मैं ऐसे नहीं कर रही हूँ, आप चाहे तो कर सकते हैं। तो देखिए, और यहाँ मैंने मटर लिया है और मटर को हम हाफ बॉईल कर लेंगे। यहाँ मैंने पानी पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच नमक। एक बार मिलाने के बाद नमक, इसमें हम डाल देंगे मटर। मटर को हमें हाफ बॉईल करना है, पूरा नहीं पकाना है। और यहाँ देखिए, हमारे बैंगन भी भुन के रेडी है, तो मैंने गैस ऑफ कर दिया। इसे मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है और हमारा यहाँ मटर भी बन के रेडी है। देखिए, तो मैं यहाँ पर गैस ऑफ कर देती हूँ और बैंगन को हम छील लेते हैं। ये देखिए गरम है बैंगन, तो हम थोड़ा थोड़ा पानी लेते हुए हाथ में लगाएंगे पानी और बैंगन छीलते रहेंगे। अगर ठंडा हो जाएगा तो ये सही से नहीं निकल पाएगा। तो ये देखिए, मैं इस तरह से निकाल रही हूँ, आपको भी इसी तरह से निकाल लेना है। और यहाँ मैंने बैंगन को देखिए किस तरह से मैंने निकाल के इसे पानी से अच्छे से मैंने धो लिया है। जो भी इसमें जो कालापन, इसका छिलका जला हुआ है, वो सब निकल चुका है, ये देखिए। और इसे मैंने एक बर्तन में निकाल लिया। इसी तरह सारे बैंगन मैं साफ़ कर लूँगी। और यहाँ मैंने सारे बैंगन साफ़ कर लिया। एक बैंगन में मेरा कीड़ा निकल गया था, तो मैंने उसे हटा दिया है। और बाकी के जो बैंगन बचे हुए हैं उसको भी हम चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करना है? बीच में से हमें इस तरह से कट करना है और इसे हाथों की सहायता से इस तरह से हमें फैला लेना है। और देखिए, इस तरह से हमें चेक करना है कि कहीं इसके अंदर भी कीड़ा है या नहीं। अगर हो तो हम इस बैंगन को रिजेक्ट कर देंगे, इसमें कीड़ा नहीं है। और इसी तरह मैं इसको भी इसी तरह से कट करके देख लूँगी, इसमें भी कीड़ा नहीं है। और मैंने तीसरे बैंगन को भी देख लिया, इसमें भी नहीं है। और मेरे पास चॉपिंग बोर्ड नहीं है, तो मैं इसी प्लेट में चॉप कर लूँगी। इसी को चॉपिंग बोर्ड बना लेती हूँ, इसी प्लेट में। देखिए, इस तरह से मैंने चॉप कर लिया है। आप चाहे तो मैश भी कर सकते हैं, लेकिन मैश में इतना टेस्ट नहीं आएगा जितना इसे चॉप करके आप बनाएंगे बैंगन के भरते को। तो और डंठल ना फेंके, आजकल की जनरेशन क्या करती है, डंठल फेंक देती है बैंगन के और खाली बैंगन बैंगन का भरता बना लेते हैं। तो उससे अगर डंठल समेत बनाओगे तो बैंगन का टेस्ट ही अलग आता है। तो यहाँ मैंने हरी मिर्च लिया है, इसे मैंने छोटे टुकड़ों में काट रही हूँ ताकि ये आसानी से मिक्सी जार में दरदरा पीस जाए। मैं इसे पेस्ट नहीं बनाऊँगी, आप चाहे तो लहसुन अदरक या हरी मिर्च का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ मैंने लहसुन लिया है और यहीं मैं अदरक ले रही हूँ। अदरक को भी मैं छोटे छोटे इसलिए काट कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से दरदरा पीस जाए एक साथ, बार बार नहीं करना पड़े। अगर बार बार मैं घुमाऊंगी तो ये पेस्ट बन जाएगा। मुझे पेस्ट नहीं चाहिए, दरदरा ही चाहिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और यूट्यूब में देख रहे हैं तो प्लीज़ मुस्कुरा के लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए, इसे हम पीस लेते हैं। और यहाँ मैंने सरसों का तेल 3 से 4 चम्मच गर्म होने के लिए रख दिया था। इसमें मैंने डाला आधा छोटा चम्मच साबुत जीरा और इसी में मैंने डाल दिया 2 मीडियम साइज का बारीक चॉप किया हुआ प्याज। ये देखिए, और इस प्याज को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। डार्क ब्राउन नहीं करना है हमें, बस लाइट पिंक करना है। ये देखिए इस तरह से। और देखिए, आपको दिख रहा होगा हमारा प्याज लाइट पिंक हो चुका है। तो इसमें मैं डाल दूंगी 2 से 3 चुटकी हींग। और हींग डाला हमने, इसे एक बार हम मिला लेते हैं। और अब इसमें मैं डाल दूंगी जो हमने दरदरा पीसा था लहसुन अदरक और हरी मिर्च। ये देखिए, और देखिए मैंने महीन नहीं पीसा, आपको दिख रहा है बारीक दरदरा चॉप किया हुआ है। तो इसे भी हम प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे 2 से 3 मिनट। और ये अच्छे से भून चुका है, तो इसमें हम कुछ मसाले डाल देते हैं। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर,
एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। ये तीखी लाल मिर्च पाउडर है, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर नहीं है। शायद सब्ज़ी का कलर इतना अच्छा लाल ना आए, आप सोचो सब्ज़ी अच्छी नहीं बनी है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत ही टेस्टी बनती है। और इधर मैंने डाल दिया है दो बड़े मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। और एक बार अच्छे से हम मिला लेते हैं, हमारा टमाटर अच्छे से गल जाए, यानी जल्दी गल जाए, इसके लिए हम डाल देंगे इसमें नमक। नमक हमें स्वाद अनुसार या आवश्यकता के अनुसार ही इसमें ऐड करेंगे। और एक बार अच्छे से मिला लेते हैं हम। और प्लीज़ वीडियो को मुस्कुरा के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी मिक्सी जार में मैंने थोड़ा सा पानी लेके इसी में ऐड कर दिया है, और हम इसे एक बार मिला लेते हैं। और मिलाने के बाद इसे हम पकने के लिए रख देंगे, जब तक हमारा ऑयल सेपरेट ना हो जाए। देखिए हमारा ऑयल सेपरेट हो चुका है, तो एक बार अच्छे से मिला लेते हैं। अब इसमें हम ऐड कर देंगे मटर, जो हमने हाफ बॉईल किया था, और मटर को भी हम इसी में अच्छे से फ्राई कर लेंगे, यानी भून लेंगे और अच्छे से पका लेंगे मटर को पहले। और बीच बीच में हम चेक भी करते रहेंगे। चलिए हम कवर कर देते हैं मटर को, और देखिए मैंने बीच बीच में चेक भी किया था। एक बार मिक्स कर लेते हैं हम, अच्छे से मिला लेते हैं और चेक करते हैं हमारे मटर पके हैं कि नहीं। और देखिए हमारे मटर अच्छे से पक चुके हैं। तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे बैंगन, जो हमने बैंगन को चॉप किया था। ये देखिए ये रहा बैंगन। आप एक बार इस तरह से बैंगन का भरता ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। और चलिए एक बार हम मिला लेते हैं अच्छे से, और मिलाने के बाद इसे हम कवर करके पकने के लिए रखेंगे, और बीच बीच में हम चेक भी करते रहेंगे। और इसी में मैंने डाल दिया बारीक कटा हुआ हरा धनिया के जो डंठल होते हैं, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, कभी भी आप डंठल ना फेंकें। और चलिए मिलाने के बाद इसे हम कवर करके 6 से 7 मिनट पकने के लिए रख देंगे, और बीच बीच में हम चेक भी करते रहेंगे। देखिए 7 से 8 मिनट हो चुका है और हमारा बैंगन का भरता बन के रेडी है। एक बार हम मिला लेते हैं इसे, खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। और इसमें हम डाल देंगे आधा छोटा चम्मच सब्जी का गरम मसाला, इससे भी खुशबू और टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और इसी में मैं डाल दूंगी आधा छोटा चम्मच किचन किंग मसाला, और इसमें मैं डाल दूंगी अमचूर पाउडर, इससे थोड़ी खटास आएगी, क्योंकि मेरे टमाटर जो है वो खट्टा नहीं है, तो बैंगन के भरते में थोड़ी सी खटास होना बहुत ज़रूरी है, जब भी टेस्ट आता है अच्छा। और छोटा चम्मच मैंने अमचूर पाउडर डाल दिया है। तो हम इस मसाले में अच्छे से बैंगन को मिला लेते हैं, और इसे 2 से 3 मिनट फिर से हम लो फ्लेम में पकने के लिए रख देंगे, क्योंकि हमने इसमें मसाले ऐड करे हैं। चलिए इसे हम कवर करके 2 से 3 मिनट पकने के लिए रख देंगे, और गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो कर देंगे। और देखिए 3 मिनट हो चुका है लो फ्लेम में, इसे हमने कवर करके पकने के लिए रखा था। बीच में एक बार मैंने चेक किया था, खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। ऊपर से हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और एक बार हम अच्छे से मिला लेते हैं। और लीजिए हमारा बैंगन का भरता बन के रेडी है। अच्छे से मिलाने के बाद इसे हम कवर कर देते हैं और गैस ऑफ कर देते हैं, और करते हैं इसकी प्लेटिंग। लीजिए हमारा बैंगन का भरता बन के रेडी है। ऊपर से हम डालते हैं देसी घी। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर।